हेलो एवरीवन, माय नेम इज अस्कबान एंड आई एम बैक विद अनदर केस स्टडी। और आज का जो केस है वो हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से है और ये केस कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। एंड आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई वन थिंग कि इस केस के एंड में किसी को भी जस्टिस नहीं मिली है एंड दिस इज नॉट अ हैप्पी केस, दिस इज लाइक अ ट्रू ट्रेजेडी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अच्छे इंसानों के साथ ही हमेशा बुरा होता है, दिस केस प्रूव्स दैट थिंग। 28 अगस्त को एक लड़के ने अपनी माँ को कॉल किया और उसकी आवाज बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसने अपनी मम्मी से कांपती हुई आवाज में कुछ बोला। उसकी आवाज बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी। उसने कॉल पर अपनी मम्मी से कहा कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और उसे बहुत बुरी तरह मारा और पीटा जा रहा है। इससे पहले कि उसकी मॉम कुछ समझ पाती या कुछ रिप्लाई बैक कर पाती, कॉल कट हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद सेम नंबर से फिर से कॉल आता है, पर इस बार कॉल के दूसरी तरफ उनका बेटा नहीं था। एंड द नेक्स्ट वर्ड शी हर्ड चेंज्ड हर लाइफ एंड हर फैमिलीज लाइफ कम्प्लीटली। सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड शिबली सादिक हिरदोय। शिबली सादिक हिरदोय एक 18 साल का लड़का था एंड ही वॉज बॉर्न इन चित्तागोंग बांग्लादेश। शिबली काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, वेयर हिज फादर यूज टू ड्राइव अ ट्रक एंड हिज नेम वॉज मोहम्मद शफीक और जो उसकी माँ थी नाहिदा अख्तर वो एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही शिबली को पढ़ाई करने का बहुत शौक था और अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए उसने एक बहुत यंग एज में काम करना शुरू कर दिया था। एंड ऑल्सो मैंने शिबली की एज आप लोगों को 18 बताई है, लेकिन वो मैंने एक एवरेज एज कैलकुलेट करके बताई है क्योंकि मेरी रिसर्च के दौरान न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में कहीं पर 16 दी है एज, कहीं पर 17, कहीं पर 20, तो वो 16 से 20 के बीच में ही लाई करती है, इसलिए मैंने एक एवरेज एज 18 रख के आप लोगों को बताई है इस केस में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि शिबली की फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, तो पढ़ाई के साथ साथ शिबली ने अपनी कॉलेज की फीस जमा करना भी स्टार्ट कर दिया था और उसकी एक नई नौकरी लग चुकी थी। उसने ये नौकरी एक पोल्ट्री फार्म पर स्टार्ट करी थी जो कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, और उसने ये काम काफी यंग एज में स्टार्ट किया था, लेकिन वो इस काम में बहुत अच्छा था। एंड लेट मी टेल यू ऑल वन थिंग कि पोल्ट्री फार्म में काम करना एक बहुत टफ जॉब है, मेंटली और फिजिकली। शिबली अपने काम को लेकर इतना सिंसियर था और इतना अच्छा काम करता था कि जो पोल्ट्री फार्म के ओनर थे उन्होंने शिबली को एक वर्कर से सीधा मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया था। और ये प्रमोशन मिलने के बाद शिबली अपने काम को और ज्यादा ट्रुथफुली और रिस्पॉन्सिबली करने लगा और उसके पास अब ठीक ठाक इनकम आ रही थी जिससे वो अपनी कॉलेज की फीस भी जमा कर देता था और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर लेता था। लेकिन उसके पास सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं बची। शिबली उसकी फैमिली, नेबर्स और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ही स्वीट, सिंसियर और अच्छा लड़का था। पोल्ट्री फार्म में काम करते करते शिबली के वहां पर भी 5 से 6 दोस्त बन चुके थे जो कि शिबली से उम्र में 5 से 6 साल बड़े थे, लेकिन तब भी वो शिबली से छोटी पोस्ट यानी कि लोअर पोस्ट पर काम करते थे। बिकॉज शिबली एक पढ़ा लिखा लड़का था और वो अपने काम को ईमानदारी और सिंसेरिटी से करता था और हमेशा ये इंश्योर करता था कि बाकी भी जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं पोल्ट्री फार्म पर। लेकिन इसी सिंसेरिटी की वजह से उसकी पोल्ट्री फार्म पर अपने दोस्तों से काफी बार लड़ाई हो जाया करती थी क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि सब लोग ईमानदारी से काम करें, और वो इन सब फाइट्स को या इन सब बातों को जो भी पोल्ट्री फार्म पर होती थी उनको घर लेके नहीं आता था। वो कभी भी घर आके ये नहीं सोचता था कि मैंने आज इससे ये बोला या इसने मुझे रिवर्ट बैक करके मुझसे फाइट करी या मुझे गलत बोला, वो सारी चीजें वहीं पर रिजोल्व करके आता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शिबली अपने कॉलेज की फीस जमा कर रहा था लेकिन अभी उसका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो रोज सुबह पोल्ट्री फार्म जाया करता था जॉब पर, अपना काम अच्छे से करता था जो उसकी मैनेजरियल पोस्ट थी उसको अच्छे से निभाता था और फिर शाम को सीधा घर जा जाया करता था। 28 अगस्त 2023 को भी शिबली ने अपना यूजुअल रूटीन फॉलो किया और वो सुबह उठ के सीधे काम पर गया पोल्ट्री फार्म और अपना काम किया वहां पर, और रोज की तरह उसे उस दिन भी घर वापस आ जाना चाहिए था रात तक, लेकिन उस दिन शिबली रात को लौट के वापस नहीं आया। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता था कि काफी बार ऐसा हो चुका है शिबली को पोल्ट्री फार्म में काम पड़ जाता है जो रात को मतलब ओवर टाइम करना पड़ता है वो भी खुद से, तो इस फैमिली मेंबर्स वर थिंकिंग कि आज भी शिबली को कुछ काम आ गया होगा या कोई शिपमेंट आ गई होगी पोल्ट्री फार्म पर जिसकी वजह से उसको वहीं पर रुकना पड़ेगा। पर काफी ज्यादा इंतजार करने के बाद शिबली घर पर नहीं आया था और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था
उसके घर वालों की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। रात बहुत ज्यादा हो जाने के कारण अराउंड 11 to 12 PM उसके घर वालों ने उसको कॉल किया, लेकिन शिबली ने कॉल नहीं उठाया। लेकिन तब भी उसके घर वाले पॉजिटिवली सोच रहे थे कि हमारा बेटा आ जाएगा वापस, कुछ ऐसा नहीं है, बस कॉल नहीं उठा रहा होगा। लेकिन सुबह तक भी शिबली घर वापस नहीं आया तो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने निकल गए और आस पड़ोस में नेबर से सबसे पूछने लगे कि क्या आपने मेरे बेटे को तो नहीं देखा है, हम लोगों के बेटे को तो नहीं देखा है। उन्होंने पोल्ट्री फार्म ओनर को भी कॉल करने का कोशिश किया, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठा रहा था। तो उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई कि फार्म पे तो कुछ नहीं हुआ है। अब सुबह उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था शिबली के पेरेंट्स को, और सब चीज नेगेटिव वे में जा रही थी। तभी उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम लोग फार्म पे जाते हैं हमारे बेटे को ढूंढने। तभी शिबली की मॉम के पास एक कॉल आता है। ये फोन शिबली ने ही किया था और वो काफी घबराया हुआ था, और उसने अपनी मॉम को ये बोला कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो पिछले 12 घंटों से एक कार में बंद है। और उसने ये भी बोला कि ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और अभी फिलहाल मैं किसी शेड के अंदर बंद हूँ। इससे पहले कि शिबली कुछ और बात कन्वे करता अपनी मॉम को, कॉल कट हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि शिबली एक लौता लड़का था अपने माँ बाप का, तो आप सोच सकते हो कि उसके पेरेंट्स को कितनी टेंशन हो रही होगी और कितना स्ट्रेस हो रहा होगा उन लोगों को। ये सब देखकर और सुनकर शिबली की मॉम एक पैनिक सिचुएशन में आ गई और वो शिबली को बार बार कॉल लगाने लगी। लेकिन जितनी बार भी उन्होंने शिबली को कॉल लगाया, उनको कॉल कट होने की ट्यून सुनाई दी एंड शी न्यू समथिंग वॉज अप। यही सब देखकर शिबली की मॉम ने कॉल लगाना बंद कर दिया और वो लोग घर छोड़ के जाने ही वाले थे, तभी उनके पास वापस उसी नंबर से कॉल आया। और इस बार जो कॉल के दूसरी तरफ इंसान बोल रहा था, उसकी आवाज शिबली से एकदम डिफरेंट थी, और उसने कॉल उठाते ही साथ ये बोला कि तुम लोगों का बेटा हमारे कब्जे में है, हम लोगों ने उसको किडनैप कर लिया है, और अगर तुम लोग अपने बेटे शिबली की सलामती चाहते हो तो वापस इस फोन पर कॉल मत करना और पुलिस को तो बिल्कुल भी बताने की कोशिश भी मत करना। और इसके बाद किडनैपर ने अपने लास्ट वर्ड बोले कि अगर तुम लोगों को अपना बेटा शिबली सही सलामत वापस चाहिए है तो 15 लाख टका का इंतजाम करो, और ये पैसे कहां पर और कैसे डिलीवर होने हैं वो मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को कॉल करके वापस से। और कॉल कट हो जाता है। टका बांग्लादेशी करेंसी है, जैसे इंडियन करेंसी है रुपीस, वैसे ही बांग्लादेशी करेंसी है टका। और मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बताया था कि शिबली की फैमिली बहुत पुअर थी, तो 15 लाख टका तो दूर की बात है, वो लोग 1 लाख टका भी जमा करके दे नहीं सकते थे किडनैपर्स को। दिस वॉज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क फॉर देम टू कलेक्ट सो मच मनी बिकॉज दे वर सो पुअर, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी का सवाल था इसलिए उन्होंने पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फॉर 3 डेज दे ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने अपने नेबर्स से पैसे मांगे, अपने रिश्तेदारों को कॉल करके पैसे मांगे, बट दे वर फीलिंग वेरी एम्बेरिस्ड, क्योंकि वो एक बहुत प्राउड फैमिली थी, क्योंकि उनका लड़का कमाता था और बहुत अच्छा कमाता था, और अब एकदम से उनको सबसे पैसे मांगने पड़ रहे थे, तो उनको बहुत खराब लग रहा था अंदर से, लेकिन उनको अपने बेटे के लिए ये करना ही पड़ा। और लगातार 3 दिन तक वो पैसे मांगते रहे लोगों से, भीख मांगते रहे, लेकिन तब भी 15 लाख टका जमा नहीं कर पाए। 31 अगस्त को वापस से किडनैपर्स का कॉल आया शिबली के माँ बाप पर, तो शिबली के माँ बाप ने सीधे सीधे कॉल उठाते ही साथ बोल दिया किडनैपर्स को कि हम लोग 15 लाख टका जमा नहीं कर पाए हैं। एंड फॉर सम रीजन किडनैपर को भी ये पता था कि ये लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है और ये लोग इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, तो किडनैपर्स और शिबली की फैमिली ने एक समझौता किया। अब मोस्टली किडनैपर्स ये सब नहीं करते हैं समझौता वगैरह, वो सीधे जो उनको रकम चाहिए वो ही मांगते हैं, अगर वो नहीं मिलती है तो वो बोला हुआ काम नहीं करते हैं। तो किडनैपर्स ने ये बोला शिबली के माँ बाप को कि अगर आप लोग 15 लाख टका जमा नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 लाख टका हम लोगों को लाकर दो, जहां पर हम लोग बोलेंगे वहां पर। तो शिबली के फैमिली वालों ने बोला कि हम लोग 2 लाख टका भी जमा नहीं कर पाएंगे, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोगों के लिए। तो फिर किडनैपर्स वर लाइक कि ठीक है, अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो फिर अपना बेटा भी भूल जाओ, वो तुम लोगों को वापस नहीं मिलेगा। और ये क्लियर टैक्टिक होती है किडनैपर्स की, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट ऑल्सो इन इंडिया एंड इन एवरी अदर कंट्री, कि किडनैपर्स मेनली फोकस करते हैं मिडिल क्लास और उसके नीचे वाले लोगों को, लोअर क्लास पीपल को, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और ये उनके लिए कुछ भी करेंगे, जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे लाकर देंगे, कैसे ना कैसे, चाहे इनको लोन क्यों ना लेना पड़े। तो शिबली के पेरेंट्स ने बोल दिया किडनैपर्स को कि ठीक है, हम लोग पैसा कलेक्ट करके आपको भिजवा देंगे जहां पर भी आप बोलोगे,
आप लोग गुस्सा मत करो और प्लीज हम लोगों के बेटे को कुछ मत करना। और शिबली के माँ बाप ने किडनैपर से 4 दिन की मोहलत और मांगी। शिबली के माँ बाप के पास अब टाइम नहीं था कुछ भी सोचने के लिए, तो अभी तक उन लोगों ने जितने भी पैसे कलेक्ट किए थे वो उन्होंने अपने पास रखे और वो निकल गए अपने घर से बाहर लोगों से मदद मांगने। आई नो कि भीख बोलना बहुत गलत चीज है, बट दे वर लिटरली बेगिंग फॉर देयर सन्स लाइफ। बट आफ्टर रीचिंग आउट फ्रॉम डोर टू डोर, शिबली के पेरेंट्स ने 2 लाख टका कलेक्ट कर लिया और अब बस वो लोग किडनैपर्स का कॉल आने का वेट कर रहे थे। तो 4 सितंबर को किडनैपर्स का वापस से कॉल आया शिबली के माँ बाप पर और उन्होंने जगह और टाइम बताया शिबली के माँ बाप को कि इस टाइम पर इस जगह पर 2 लाख टका लेके पहुंच जाना। और उन्होंने फिर से वार्निंग दी शिबली के पेरेंट्स को कि अगर तुम लोगों ने पुलिस को कुछ भी बताया तो हम लोग सीधा तुम्हारे बेटे को मार देंगे। सो नाउ शिबली के पेरेंट्स कुछ भी रिस्क करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और वो सीधा उस जगह पर गए जो किडनैपर्स ने बताई थी और इंतजार करने लगे किडनैपर्स के आने का। तभी सामने से 2 लड़के आए, वो फेस पर मास्क लगाए हुए थे और उन्होंने शिबली के पेरेंट्स से वो 2 लाख टका लिए और वहां से चले गए। और किडनैपर्स ने उन दोनों लड़कों ने जाते जाते शिबली के पेरेंट्स से ये कहा कि तुम्हारा बेटा तुम लोगों को मिल जाएगा घर पर ही। और ये पैसे देने सिर्फ शिबली के पापा गए थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे कि अब मैंने पैसे दे दिए हैं तो हमारा बेटा घर पर आ जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी वापस अपने घर पहुंचे और वो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनका बेटा शिबली अभी भी घर पर नहीं पहुंचा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी नाहिदा से पूछा कि शिबली कहाँ पर है और नाहिदा वैसे ही रो रही थी। तो ये सब सुन के वो और ज्यादा घबरा गई और उसने बोला कि तुम गए थे ना शिबली को लेने, लाए नहीं क्या अपने साथ। तो शिबली के पापा ने उसकी मम्मी को हर एक चीज समझाई कि क्या क्या हुआ, किडनैपर्स को पैसे दिए, किडनैपर्स ने क्या क्या बोला। और वो दोनों बस घर पे बैठ के अपने बेटे का इंतजार करते रहे शाम तक। और धीरे धीरे शाम से रात हो गई, तब भी वो लोग अपने बेटे का वेट करते रहे और ये सोचते रहे कि शायद शिबली कोई ट्रैफिक में फंस गया होगा। अब सोचते सोचते 3 दिन कट गए थे और अभी तक शिबली घर पर नहीं आया था। तो शिबली के पेरेंट्स अपने माइंड में बहुत नेगेटिव और गलत थॉट्स लाने लगे जो कि आते हैं ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन में हर इंसान के दिमाग में। नाउ इमेजिन दिस थिंग गाइस, शिबली 28 अगस्त को किडनैप हुआ था। Now it's been 10 days, 7 September चल रहा था और अभी तक वो घर वापस नहीं आया था। तो ये कितनी बड़ी बात थी उसके घर वालों के लिए और जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसकी फैमिली है उसके लिए। अब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही थी शिबली के पेरेंट्स के लिए। तो फाइनली उन्होंने 7 सितंबर को शाम को उनके एरिया के लोकल पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन लिया। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचे उन्होंने पुलिस को हर एक चीज़ बताई कि कैसे उनका बेटा किडनैप हुआ और उन्होंने पैसे डिलीवर करवाए सेम जगह पर सेम टाइम पर जो किडनैपर्स ने बोला था। ये सब सुन के सबसे पहले तो पुलिस वाले गुस्सा हुए कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़े जिम्मेदार अपने बेटे का घर ना आने के लिए आप हो, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। पुलिस होती किस लिए है? आप लोगों की सेफ्टी करने के लिए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को ये रियलाइज हुआ कि वो लोग भी एक माँ बाप हैं। अगर उनके बेटे के संग ऐसा होता तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते इस सिचुएशन में। इन सब चीज़ों के सुनने के बाद पुलिस वालों ने शिबली की सारी डिटेल्स एक जगह पर कलेक्ट करी और एक FIR दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी इस केस के ऊपर। तो हर जगह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद फैमिली रिलेटिव्स और नेबर्स से उनको ये पता चला कि शिबली एक सिंसियर और बहुत सीधा और स्वीट बच्चा था। तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन एक जगह आके रुक चुकी थी क्योंकि कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था पुलिस वालों को। तो ये सब सुनने के बाद शिबली की माँ नाहिदा को एक बात याद आई कि 2 महीने पहले शिबली की पोल्ट्री फार्म पर जो उसके अंडर काम करते हैं 6 लड़के उनसे लड़ाई हो गई थी, पर ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी, पोल्ट्री फार्म पर रिजॉल्व हो गई थी। तो शिबली ने इसको ज्यादा आगे बढ़ाने का नहीं सोचा। पर ये सुनते ही साथ पुलिस वाले लग गए इस क्लू के पीछे और वो सीधा पहुंचे उस पोल्ट्री फार्म पर। फार्म पर पहुंचते ही साथ पुलिस वालों ने शिबली के अंडर जो 6 लोग काम करते थे उन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनको इन्वेस्टिगेट करने लगे। शुरू में ये 6 के 6 लोग अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने एंड में प्रेशर डाला इन लोगों पर तो इनमें से 4 एक्यूज निकले, जिनका नाम है उनमोंग चिंग मारमा, स्विच जिंग मुंग मारमा, अंगठू मुंग मामा और उख्यात माई मामा। जैसे ही पुलिस को इन 4 एक्यूज्ड के बारे में पता चला और इनके नाम मिले और इन्होंने बोला कि इन लोगों ने ही किडनैप किया था शिबली को, तो पुलिस ने इन 4 पर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए
और फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। तो पुलिस ने इन चारों लोगों से शिबली की लोकेशन मांगी कि तुम लोगों ने शिबली को कहां पर किडनैप करके रखा है, बट दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि शिबली से रिलेटेड थे। तो पुलिस ने काफी दिन इनको जेल में रख के प्रेशराइज करा। उसके बाद इनमें से कुछ लोगों ने अपना मुंह खोला। ऑन 11th सितंबर इन लोगों ने अपना मुंह खोला और पुलिस वालों को ये बताया कि 28th अगस्त को जब शिबली काम कर पोल्ट्री फार्म से घर वापस जा रहा था, तब अपना रिवेंज लेने के लिए, जो 2 महीने पहले लड़ाई हुई थी उसका रिवेंज लेने के लिए, इन लोगों ने शिबली को किडनैप कर लिया था। बेसिकली उनका प्लान यही था कि शिबली को किडनैप करेंगे, टॉर्चर करेंगे और मारेंगे अपना रिवेंज लेने के लिए, और फिर शिबली के घर वालों से पैसे मांगेंगे और शिबली को वापस छोड़ देंगे। और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था और अब तो किडनैपर्स को पैसे भी मिलने वाले थे शिबली के घर वालों से। तो दिक्कत कहां पर आई कि पैसे मिलने के बाद भी शिबली घर नहीं पहुंचा। तो प्रॉब्लम ये हुई कि उन 6 लोगों में से 2 लोगों की शक्ल शिबली ने देख ली थी, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि अगर हम लोगों ने इसको छोड़ भी दिया तो ये सब कुछ जाके पुलिस को बता देगा और हम दोनों का नाम सबसे पहले आएगा इस चीज में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उन दोनों लड़कों ने अपनी टेबल में रखे नाइफ से शिबली को बहुत बार मारा और उसका इतना ब्लड लॉस हो गया था कि उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। अभी तक पुलिस वालों को ये केस सिर्फ किडनैपिंग का लग रहा था, लेकिन ये सब चीजें सुनने के बाद पुलिस श्योर हो गई थी कि ये किडनैपिंग का नहीं, एक मर्डर केस है। ये सब चीजें सुनने के बाद पुलिस वालों ने सीधा किडनैपर से पूछा कि शिबली की बॉडी कहां पर है, तुम लोगों ने मारने के बाद उसे कहां पर रखा। तो इसका जवाब देते हुए किडनैपर्स ने ये बोला कि हम लोगों ने शिबली को मार के उसकी बॉडी रोहजान हिल के पास फेंक दी थी। पुलिस वालों ने बिना टाइम वेस्ट करे हुए हिल पर जाने का डिसीजन लिया और जैसे ही वो हिल पर गए और उससे थोड़ा नीचे उतरे तो उनको वहां पर सच में कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले। बट द वर्स्ट थिंग वॉज कि उन्हीं बॉडी पार्ट्स के थोड़ा और नीचे जाने पर पुलिस वालों को एक पूरी बॉडी मिली जिसका फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था, और फेस इतना बुरी तरह से डिस्ट्रॉयड था कि पुलिस वाले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये शिबली की ही बॉडी है। लेकिन जो उसके आसपास चीजें पड़ी थी, उसका पर्स, उसके कपड़े, वो सब देखकर शिबली की फैमिली ने ये कंफर्म किया कि हाँ, ये उनका बेटा शिबली ही है। ये सब देखने के बाद पुलिस ने उन सारे किडनैपर्स को मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद एक और शॉकिंग चीज सामने आई। उनमोंग चिंग मारमा, जो कि 26 साल का है, जो शिबली के अंडर काम करता था, उसने ये बताया कि शिबली उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन 2 महीने पहले उनकी कुछ नोकझोंक हो गई थी काम के पीछे, तो इसी वजह से उसने शिबली से रिवेंज लेने का सोचा और उसी ने अपने हाथों से शिबली की बॉडी के टुकड़े करे और उनको काट के रोजान हिल के नीचे फेंक दिया। उसने ये भी बताया कि बॉडी काटते समय उसने शिबली का फ्लैश भी खाया था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो मारमा सरनेम वाले बांग्लादेशी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनमोंग चिंग मारमा, जो मारमा सरनेम होता है, वो एक कम्युनिटी होती है जो ह्यूमन फ्लैश खाती है या ह्यूमंस को खाती है। हर कोई इस कम्युनिटी का इंसान नहीं होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, लेकिन मोस्टली खाते हैं, आप सर्च करके देखना। तो उनमोंग चिंग मारमा ने भी शिबली का फ्लैश खाया था काट के और फिर उसको मार के फेंक दिया था। एंड इट वॉज सच अ हॉरिफिक एंड शेमफुल एक्ट कि जैसे ही ये चीज मीडिया में बाहर आई, पूरे देश में हाहाकार मच गया था और लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था कि जिन लोगों ने भी, जिन किडनैपर्स ने भी शिबली को मारा है, इनको बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। 11 सितंबर को जब पुलिस वाले इन सारे एक्यूज्ड को कस्टडी में लेके जा रहे थे, लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उनमोंग चिंग मारमा, जिसने शिबली को काटा था और जो कि उसका दोस्त था, उसके बाद भी उसने उसे काटा और मारा था, उसको पुलिस की कस्टडी में से लोगों ने अपने पास खींच लिया और बीच रास्ते में उसको इतना मारा कि उनमोंग चिंग मारमा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और इससे पहले कि कोर्ट कोई सजा सुनाती, उनमोंग चिंग मारमा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां पर टीयर गैस रिलीज करी जिससे लोगों के आंसू आ जाते हैं, और बाकी बचे हुए एक्यूज्ड को वहां से अपनी कस्टडी में लेकर जल्दी से निकल गए। और बचे हुए 5 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर कोर्ट्स ट्रायल एंड प्रोसीजर्स। एट द एंड शिबली एक बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा लड़का था और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सिंसियर था और अपने फ्यूचर को लेकर। और शिबली के पेरेंट्स ने अपनी लाइफ का सब कुछ खो दिया था, एक बहुत बड़ी उम्मीद खो दी थी उन्होंने अपनी लाइफ की। एंड दे वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग और उनके पास ऑलरेडी कुछ नहीं था लाइफ में खोने को, और इसके बाद उनका बेटा भी उनसे छिन गया। तो आप सोचो उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। हमारी लोकेलिटी, हमारी नेबरहुड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो एक लड़का था 18 साल का, अपने फ्यूचर को लेकर इतना सिंसियर था, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता था। मोस्टली हम लोग 23 या 24 में काम स्टार्ट करते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद, लेकिन उसने कॉलेज स्टार्ट होने के पहले ही काम स्टार्ट कर दिया था।
तो आप सोचो वो कितना सिंसियर होगा और अपनी फैमिली के लिए कितने बड़े सपने होंगे उसके दिल में। एंड विद दैट शिबली का केस यहीं पर समाप्त होता है। फर्दर जो इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इसका वर्डिक्ट आएगा, वो मैं पिन कमेंट में अपलोड कर दूंगा। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कबान।